काबिल है कुछ कि नहीं, इंसान नूं डिप्रेशन तो डिप्रेशन कर वास्ते, लेगा। डिप्रेशन वास्ते डॉक्टर ने इलाज कुछ नहीं है जी जी, उसके लिए नहीं है कि इसमें इलाज है नहीं, इसमें इलाज ये है तुम खुद, तुम्हारे को खुद इलाज है डिप्रेशन। असा ये बीमारी मूजी बीमारी असा खुद खरीदी, खरीदने मेरा कहने मतलब यह है कि तुसा मिसाल में तेन दे देना कि तुसा एक बंदे ना तुम भला कर देने हो, चलो किसी को 10,000 रुपया या 20,000 रुपया दे देने हो कर्ज, ठीक है जी। जी वो कहना जी मैं तुम्हें 2 महीने बाद वापस दे दसा, ठीक है जी जी। वो तुसा सोचने पे जिससे 2 महीने जब गुजरने तो तुम कहना जी 20,000 रुपया जब तुम दिया मैंने दियो, वो कहना जी मेरे को नहीं है। तुम हर वक्त सोच रहा सी मैं तो 20,000 न गए जा बनाई सी, मैं इतू मिलने से मैं अगर पेमेंट करा, ठीक ठीक है। वो बंदा सोच 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 कर उसनी नेकी सू उस मतलब वो गलत चीज मिल रही है जी उस नेकी तू, बस ये चीजा उतू तैयार हो जानी। तुसा नेकी की उसने तू ये ना मैं कहना कि नेकी तुसा ना करो, लेकिन बंदे ने वो वजवात स्टार्टिंग शुरू हो जानी जनाब। फिर उसने जे है कि बंदा सोच सोच के वो कहना जी कि भाई मैं तो ये किया 20,000 रुपया भी खड़ाया और सोच भी गई इसकी, तो तुम ऐसा काम करो इस तरीके ने काम करो कि तुसा मतलब अपनी ये मूजी बीमारी खरीदो ही ना, ठीक है जी। और इस तरीके अच्छियां गल्लां और हर वक्त तुम जहन अपने ताज़ा दुरुस्त रखना चाहिए ना। सबसे मेन गल है मैं ये कह सा कि नमाज से ज्यादा वो दवाई दुनिया है ही नहीं है। नमाज परसों सारियां परेशानियां सारे दुख दर्द सारिया मर्जा सारिया चीजा चली गया। 5 वक्त नमाज पढ़ना बहुत लाजमी फर्ज है। ये चीजा जे लोग जे 5 वक्त नमाजिए माशाल्लाह उन्हें चेहरे नहीं, ते नूर है लेकिन देखने से तो ऐसा भी आया ना कि जड़े नमाजी भी ने जी वो भी डिप्रेशन का शिकार देखे जी ने, ठीक फिर है सर। उन्होंने मैं क्यों डिप्रेशन जी होंगे? सर मैं ये अर्ज कर सा नमाजी ठीक है उन्हें भी हो सकना कोई ऐसी वजवात घरेलू मामलात हो, नमाज तो मैं पढ़ ली, हो सकना मेरी बीवी ना मैं ऐसा कोई खटकटा हो गया बच्चा ना हो गया मैनू वो भी डिप्रेशन हो सकना, ठीक है जी। नमाज मेरी एक सहत है ठीक है जी, झगड़ा फसाद बच्चा नाराजगी करना बेवकूफ ना नाराज करना एक सहत है। स्टार्टिंग जी है ये चीज मुझे बीमारी है स्टार्टिंग इतनी होनी जी थोड़ी जहनीयत होनी शुरू भाई तुसा किस तरीके ना कुछ ऐसे ऐसे वली अल्लाह लोग है जिन्हें जी इन्हें बीमारियां थे ही पता ही कौन सा है जी, बिल्कुल कुछ ऐसे लोग है जिन्हों को पूछो उन्होंने झुग्गियां भी गुजारा करने उन्हों को जासो पता लग उन्हों को है ही नहीं है जी बीमारी, ठीक है जी। वो अल्लाह अल्लाह करने बस उन्हें लालच है ही नहीं। ये सारिया चीजा इंक्लूड करने लालच भी आ जाना कोई शिकवे शिकायत पैना पराने सारिया ये जीसा ये सारिया जहन जो पैनिया एक तूफान बनना उसकी वजह तू ये सारिया चीजा जीडिया तुम जहन दसनिया बंदा खुश बाश रहे उसने कोई ये चीजा कोई किसी किस्म बेशक तुसा भुखे बैठे रहे हो खुश रह सो तुम्हारी ये जी बीमारी ये तुम कदे करीब नहीं आनी लेकिन जी ये बावजूद एदा वजूद है, जी हर सर दूसरे बंदे ने बगैर एदा शिकार भी देखने जी जी हैं, जी ठीक है। लेकिन असी ये भी समझना, चलो ये तो हो गए ना जी, नमाज पढ़ ली बींग मुस्लिम, तो जिहड़े गैर मुस्लिम ने आई साहब, उन्हें तो भी फिर ये सवाल लागू हो जाता है कि भाई वो की करन फिर, कि अगर उन्हें चो भी डिप्रेशन का शिकार ने नहीं अक्सर उन्होंने लोग। यकीन किसी चीज़ तो है ना जी, ये जी गलत यकीन हूँ भी असी हो अपना गोरिया नु देखने सर यकीन कि उन्होंने भी यकीन किसा यकीन का जिंदा इंसान यकीन का जिंदा जी जी किसा उम्मीद का जिंदा है, जी चाहे किसा मजहब ना क्रिश्चियन है सिख है हिंदू है मुसलमान है किसी मजहब ना वो किसा किसा चीज का जिंदा है, बेशक वो भी अपने तरीके नो करने उन्होंने सुकून आ जाना, ठीक है जी। सुकून मतलब है वो खुदा तो एक ही है, ठीक है जी। बेशक सिर्फ तरकीब वार जा चलना वो हर बंदे ना अपना पता, ठीक है ठीक जी। उन्होंने यही सोच है जी कि असा ये कर सा तो सू ये जन्नत मिलसी, ये कर सा ये सू दोजख मिलसी, हर हर मजहब इज दोजख जन्नत बनती, बिल्कुल। ठीक है जी अच्छा ऐसा कभी अपना तुसी भी इस मर्ज का शिकार रहे हो, जी डिप्रेशन होया जी थानू सर भी? बहुत हवा लेकिन मैं कंट्रोल कर लेना अच्छा कंट्रोल मेरे को है अच्छा उस डिप्रेशन हुंदा किस तरह थानू पहले से? डिप्रेशर है कि मिसाल मैं चलो मेरे तो तुम गल आँदी मैं जवाब देना, बेगम ने मेरा हो गया ठीक है जी जी झगड़ा हो गया, ठीक है मैं ये समझा कि बेगम है मेरा मेरा मैं मतलब है मैं खामोशी ना बस जाके कले कमरे जाके कोई गाना शाना ला लिया कोई फिल्म ला दी
ਜਾਂ ਬਸ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ ਆਪਣਾ ਜ਼ਿਹਨ ਸੋਚ ਬਦਲ ਲੈ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਲੈ ਸਾਂ ਇੱਕਦਮ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਲੈ ਸਾਂ ਔਰ ਬੀਵੀ ਮੇਰੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚਲੀ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬਾਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਵਕਤ ਮਤਲਬ ਹੈ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਹਾਂ ਹੀ ਕਰਨੀ ਉਸਨੇ ਠੀਕ ਉਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵਾ ਅਗਰ ਮੇਰਾ ਉਸ ਵਕਤ ਕਹਿੰਦੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਖਾਮਨ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਹੈ ਠੀਕ ਜੀ ਉਹ ਉਸਨੇ ਮੇਰੇ ਹਾਂ ਹਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਮਾਮਲਾ ਆਉਣੀ ਠੀਕ ਮੈਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਿਤੇ ਮਤਲਬ ਗਲਤ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਠੀਕ ਜਿਸ ਹਾਂ ਨਾ ਮਰਾਸੀ ਮੇਰਾ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਖਤਮ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਣਾ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੇਰੀ ਆ ਔਰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਪਲੀਜ਼ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਬਿਮਾਰੀ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਕੋਈ ਉਸੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਖਾਮੋਸ਼ ਹੋ ਜਾਣਾ ਮਤਲਬ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦਾ ਵੀ ਸੈਕਿੰਡ ਆਈ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੈਕਿੰਡ ਲੋ ਚੋਲੀ ਦਾਮਨ ਦਾ ਸਾਥ ਹੈ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਔਰ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਗੁੱਸਾ ਸੈਕਿੰਡ ਬਲੱਡ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕੂਲੇਟ ਤੇਜ਼ ਕਰੇਗਾ ਹਾਈ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸੂਝ ਬੂਝ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ ਜੀ ਕਿ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਜੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੂਸਰੇ ਸ਼ਖਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੈ ਇਸ ਵਕਤ ਨਾਰਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਨਾਰਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹਦਾ ਦਿਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਸਰ ਆਖਰ ਮੈਂ ਕਰ ਕਹਿਸਾਂ ਕਿ ਇਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਬੰਦੇ ਥਾਈ ਹੋਣੇ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਅੱਛਾ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਕਮਜ਼ੋਰ ਬੰਦੇ ਥਾਈ ਹੋਣਾ ਅੱਛਾ ਨਾ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਾ ਮਤਲਬ ਦੋ ਤਿੰਨ ਹੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨੇ ਸੋਚ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸੋਚ ਦੇ ਜੀ ਉਹ ਮਿਸਾਲ ਮੈਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿ ਚਲੀਏ ਮੈਂ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸਮਝ ਲਿਆ ਬਈ ਬੀਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ ਮੇਰੇ ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ ਮੇਰੇ ਤੁਸੀਂ ਆਈ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਠੀਕ ਉਸਨੇ ਬਾਅਦ ਦੋਸਤ ਹੈ ਮੇਰੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਜਾਂ ਦੋਸਤ ਹੈ ਅਗਰ ਉਸਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰਸਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਝਗੜਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਉਸ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਲੋ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਠੀਕ ਜੀ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਨਾ ਬੋਲੂੰਗਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਹਾਈ ਹੈ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਮਜ਼ੋਰ ਬੰਦੇ ਤਾਂ ਹਾਈ ਹੋਣੇ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਛਾਂਡਮੀਟ ਕੀਤੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਪਹਿਚਾਣ ਰੱਖੀ ਠੀਕ ਜੀ ਅਤੇ ਇਸ ਕਿਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਹੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਖੁਦਾ ਤਾਲਾ ਇਹ ਮੂਜ਼ੀ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖੇ ਬਹੁਤ ਸਖਤ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਜੀ ਅਤੇ ਖੁਦਾ ਤਾਲਾ ਰਹਿਮ ਕਰਮ ਕਰੇ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਸਰੂਫ ਰੱਖੇ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਅਗਰ ਇੱਕ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਚਲੋ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਬਹੋ ਉੱਠੇ ਘਰ ਨਾਸ਼ਤਾ ਕਰੇ ਜੀ ਜੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਆਪਣੀ ਜੌਬ ਤਲਾਸ਼ ਕਰੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਿਜ਼ੀ ਰੱਖੇ ਬਿਜ਼ੀ ਰੱਖੇ ਫਿਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਬਾਡੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਵੀ ਰਹਿਣੀ ਜਨਾਬ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਹਿਨ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਮਤਲਬ ਖੁਸ਼ ਮਤਲਬ ਦਿਮਾਗ ਰਹਿ ਸੀ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਆਈ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਗੇ ਵਧਾਵਾਂਗੇ ਜੀ ਜੀ ਇਸ ਮੌਜੂ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਨੰਬਰ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਆਨੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਫੋਨ ਦਾ ਵੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ।